हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेडिक्योर एट होम। सो गाइस, ये पेडिक्योर आपके पैरों को सुंदर, मुलायम और स्किन को व्हाइटन करने में हेल्प करेगा। सो गाइस, हम अपने फेस को सुंदर दिखाने के लिए, चेहरे को अच्छा दिखाने के लिए कितना कुछ लगाते हैं, ट्राई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने पैरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और ध्यान ना देने की वजह से हमारे पैर हो जाते हैं डार्क, ड्राई, काले पैचेस हो जाते हैं, सन टैन हो जाता है और एड़ियां भी फटने लग जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अपने पैरों को इग्नोर ही करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो पैरों का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम अपने फेस के लिए करते हैं, क्योंकि पेडिक्योर करने से आपकी जो एड़ियां फटने की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है और पैर पे दाग धब्बे होते हैं वो भी मिट जाते हैं और पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे पैरों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घर पर पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। पेडिक्योर में सबसे पहले हम करेंगे अपने नेल पेंट को रिमूव। तो नेल पेंट रिमूवर लेकर तो अपने नेल पॉलिश को रिमूव कर लीजिए, जो भी आपके नेल्स पे लगी हुई होगी उसे अच्छे से साफ कर लीजिए। ओके, तो नेल पेंट रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है नेल्स को ट्रिम करना। तो यहाँ पे मैं अपने नेल्स को ट्रिम कर लूंगी यानी काट लूंगी। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी कॉर्नर पे जो नेल्स होते हैं उसको डीपली कट ना करें, क्योंकि जब भी वो ग्रो होंगे आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। ओके, तो नेल्स को कट करने के बाद यानी ट्रिम करने के बाद आप अपने नेल्स को एक अच्छा सा शेप दे दीजिए फाइलर के हेल्प से। सो गाइस, ये जो सारे स्टेप्स थे ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक स्टेप थे, जो कि नॉर्मली हम कभी नेल पॉलिश लगाते हैं या फिर नेल्स को कट करते हैं जब फॉलो करते ही हैं। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको मंथली वंस करना ही चाहिए, अगर आपकी एड़ियां बहुत ज़्यादा फटती है या फिर आपके पैरों पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे या फिर स्किन टैन है। तो नेल्स को शेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लेना है एक टब में गुनगुना पानी। आपके पास टब हो या फिर बकेट हो, जो भी हो, उसमें आपको लेना है गुनगुना पानी और आपको एक नींबू का रस पूरा निचोड़ देना है उसके अंदर। तो लेमन इसमें ऐड किया है तो ये स्किन के टैन को रिमूव करेगा और साथ ही साथ अगर आपके नेल्स येलो हैं तो ये उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। और नेक्स्ट मैं ये ऐड करूँगी यहाँ पे बॉडी वॉश। तो अगर आपके पास बॉडी वॉश नहीं है तो इसमें आप शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉडी वॉश ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट अपने पैरों को टब में यानी गुनगुने पानी में डालकर आराम से 15 से 20 मिनट तक रिलैक्स करना है। इस स्टेप से आपको पैरों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और जो पैरों की थकावट होती है वो भी दूर होती है और साथ ही साथ डेड स्किन और ड्राई स्किन जल्दी से रिमूव भी हो जाती है। तो जब 15 से 20 मिनट होने के बाद आपके पाँव नरम हो जाए तो एक प्यूमिक स्टोन से इस तरह से स्क्रब कर लीजिए। तो इस तरह से प्यूमिक स्टोन से स्क्रब करने से ये आपकी जो भी एड़ी की जो डेड स्किन होती है वो इजीली रिमूव हो जाती है। एड़ियों को साफ करने के बाद नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे स्क्रब। तो यहाँ पे मैं बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो आप चीनी और कॉफ़ी पाउडर को थिक सा पेस्ट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्क्रब से जो हमारी पैरों की जो ऊपर की स्किन होती है, पतली स्किन होती है, उसके ऊपर की डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, सन टैन रिमूव करेगा और साथ ही साथ आपके पैरों को स्मूथ और सॉफ्ट भी बनाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपने वीकली वंस आपके पैरों पर स्क्रब करते रहते हो तो आपके पैरों के जो दाग धब्बे होते हैं, चोट के निशान होते हैं, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। पैरों को स्क्रब करने के बाद नेक्स्ट मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि नेल्स की जो कॉर्नर्स होती है अगर वहाँ पर डर्ट और डस्ट होगी तो वो ईजिली ब्रश की मदद से रिमूव हो जाएगी। नेल्स को साफ करने के बाद गुनगुने पानी से अपने पैरों को अच्छे से साफ कर एक टॉवल से पोंछ लीजिए।
पैरों को अच्छे से साफ करने के बाद नेक्स्ट हम रिमूव करेंगे क्यूटिकल्स। तो यहाँ पर नाखून के आसपास जो पतली चमड़ी होती है, ड्राई स्किन होती है, उसे अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। तो क्यूटिकल्स रिमूव करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑयल मसाज करना, ताकि आपको पैरों को आराम मिले। तो इस ऑयल मसाज को मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं ऑयल मसाज सोने से पहले करती हूँ अपने पैरों के, ताकि आराम मिले। तो यहाँ पे मैं ऑयल मसाज स्किप कर डायरेक्टली मॉइस्चराइज करूँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ निविया बॉडी लोशन, इससे मैं अपने पैरों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। तो गाइस, नॉर्मली मेरे पैरों की स्किन बहुत ज़्यादा पतली और ड्राई है, अगर पैरों का ध्यान ना दे तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी लगने लग जाती है। तो इस पेडिक्योर को करने के बाद आप मेरे पैरों पर क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं, पहले से सॉफ्ट, स्मूथ और मॉइस्चराइज लग रहे हैं। तो यहाँ पे है फाइनल स्टेप, जो कि है मेरा फेवरेट, वो है नेल पॉलिश अप्लाई करना। तो इसी तरह से आप भी कोई अपना फेवरेट कलर अप्लाई कर आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं अपना पेडिक्योर। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अप्लाई करती हूँ नेल पॉलिश और मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, आप क्लियरली मेरे पैर देख सकते हैं, पहले से ज़्यादा वाइटिंग लग रहे हैं और पैर बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट भी लग रहे हैं। तो गाइस, आप भी इस पेडिक्योर को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। और क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे मैं पहन लूँगी पायल और यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है मेरा पेडिक्योर। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे से मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं। और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।